दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आप लोग देखिए, एक बड़ा मेला लगा है, लोग बहुत खुश हैं। आप लोग स्थान जानना चाहते होंगे, हम हैं मलेडना, जाजरू और झांस रेतली गांव के बीच में एक वैष्णव परमहंस आश्रम बना है, जिसे बड़ी कुटी कहते हैं। हर साल यहां पर मेला लगता है और यहां की मान्यता बहुत है। जो भी यहां पर आता है, कोई मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। इसीलिए तीनों गांव के लोग और आसपास के कई गांव के लोग आज मेले में आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए अंदर भी चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी हो सकता है आपको भी ना हो सकता है मुझे भी ना हो। तो हम लाइव रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं, बाहर भी मेला लगा है, अंदर भी मेला लगा है। यहाँ पर श्री वैष्णव परमहंस आश्रम जो है, बाबाओं की मूर्ति है। श्याम सुंदर दास जी जो वर्तमान गद्दीधारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए दोनों तरफ, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितनी श्रद्धा है भक्तों में। और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए चेयरमैन जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मैं योगिंदर देवबैन, गांव मलेरना से। सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारे तीनों गांव के हमारे बैठे हैं सिद्ध महात्मा, इनका प्रचार और हमारा वो यश फैला रहे हो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, यहाँ तो हमारे तीनों गांव बस्ती के और भी लोग खड़े हैं, सबसे लेना है पूछना है। यहाँ एक तो ओले तीनों गांव के बीच में है। बीनो, हाँ, तीनों बड़ी कुटी बोलते हैं, बड़ी कुटी के नाम से है। हाँ। बाकी हमारे यहाँ चढ़ाया और ज्यादातर जो झाड़सेत्री गांव से आता है, क्या बड़ा गांव झाड़सेत्री है, वैसे भी हम जाजरू जा रहे, हमारा मलेरना गांव छोटा गांव। हाँ, 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 और बाबा की ऐसा आप देख रहे हो, यहाँ कम से भी कम 50-100 गांव से और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। देखो अभी आप देख भी रहे हो, अभी कह रहे हैं यहाँ की मान्यता बहुत है। बहुत सारे लोग पहले मन्नत मांगते थे, उनकी पूरी हो जाती थी, और यही वजह है कि यहाँ लोग श्रद्धा भाव लेकर आते हैं और मन्नत मांगते हैं, जो पूरी भी होती है। क्या ये बात सही है सर? हकीकत है, हमारे पास सबके साथ है, हमारे बस्ती के सारे खड़े किसी से पूछ सकते हैं, इन्हीं की देन है। नंबर हमारे यहाँ हमन होता है, अभी बसंत पंचमी पे, आगे से बुलाऊंगा तुम्हें। 86-87वां साल है हमन को होते हुए ये तो। और ओले नहीं पड़ते पूरी एरिया में, तीन गांवों के अंदर, और तो क्या, इन गांव वालों ने बाहर भी कहीं जमीन ली हुई है, वहां भी ओले नहीं पड़ते हैं। इतना बताओ कैसे नहीं मानेंगे हमें। और भी गांव के लोग हैं, बातचीत कर ही लेंगे। सर कौन से गांव से आए? झाड़छतरी से आए। क्या नाम है? राम बाबूगढ़। सर कब से जानते हैं इस स्थान के बारे में? हम तो जन्म से जानते हैं। हम भी जाने, हमारे दादा परदादा सब रहे हैं, वो जानते रहे हैं। मान्यता है, अच्छी मान्यता है, काफ़ी अच्छी मान्यता है। तीन गांवों का बोला जाता है मंदिर। वैसे एरिया से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली में भी आश्रम है गढ़गंगा पास। पर एक पद्धति है, जो बाबा लोग रहते हैं जिनको गद्दी मिलती है, और ऐसा कहा जाता है गुरु जो हैं वो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं और हाँ जो समाज को है आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु जी हैं अभी, बाबा श्याम सुंदर दास, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। पीछे जो गुरु रहे हैं वो उनसे भी अच्छे हैं, अच्छे रहे पहले परंपरा जैसे। आज के टाइम के अनुसार श्याम सुंदर जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। और सबसे मेन सर और बताओ क्या क्या गुणगान करें, जितना करेंगे थोड़ा है, मजा आ रहा है सुनने, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। देखो एक बार की बात है, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, इधर हमारे अवधूत बाबा पे, अच्छा अच्छा, ऊपर नारायण दास बाबा भजन कर रहे थे, अवधूत बाबा ने देखा डोल डाल जा रहे थे, तो वो आंधी तूफान आया था, एक कबूतर मरा पड़ा था, कबूतर उठाया, चींटी लग रही थी कबूतर में, और उठाया भूख मारी और बोल रहे अरे तुम मर गए इस भाषा में, और भूख मार के उड़ा दिया। यहाँ वो शक्ति भी थी कभी, तो फिर उनसे मना किया नारायण दास बाबा ने, मान की यहाँ ऐसा नहीं करना, नहीं हमको भागना पड़ जाएगा, इतनी सिद्धियां नहीं दिखाओ। तो यहाँ तो देखो असीम कृपा हर तरह से है ही, आप भी देख रहे हो, ये देखो हमारा तो मंदिर तीनों गांव का है ही, बाकी ये इतने लोग बाहर से ज्यादा आ रहे हैं यहाँ, और उससे कम से कम गांव में एकता तो है। आजकल जो है एक गांव दूसरे गांव को देखना नहीं चाहता, लेकिन इसी कुटी की वजह से, बड़ी कुटी और आश्रम की वजह से सभी गांव में एकता है, जो बहुत अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, इसी को चमत्कार, भगवान का चमत्कार है कि पब्लिक में एकता बनाए रखे, गांव में एकता बनाए रखे, समाज में एकता बनाए रखे। बाकी अभी बातचीत करेंगे बाबा श्याम सुंदर दास से और आशीर्वाद भी लेंगे।
देखिए हम कई बार इस मंदिर में आए हैं और कई बार दिखाया है, हालांकि बहुत सारे लोग भूल गए होंगे इसलिए हम रिमाइंड करेंगे। हाँ सर, ठीक है, क्या नाम है सर? लेखराज डाइवर। अच्छा, झाड़ सेतली गाँव से। जी, झाड़ सेतली गाँव। सही लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है? अच्छा है, हमारा सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम है। अच्छा, यहाँ हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं जिनकी भविष्यवाणी फलते थे, आशीर्वाद फलते थे। चलो सर, हमें भी आशीर्वाद, प्राचीन मंदिर, हम भी आशीर्वाद ले लेंगे बाबा जी का। देखिए, और बाबा जी आशीर्वाद देते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है। आप लोग देख रहे हैं चैनल की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है बाबा जी के आशीर्वाद से। हाँ, आप लोग जुड़े रहे, कहीं जाइएगा नहीं। और जो बाबा जी आशीर्वाद देंगे उसका फल आप सबको मिलेगा जो फरीदाबाद न्यूज के फॉलोवर्स हैं। बाबा श्याम सुंदर दास जी, देखिए थोड़ा सा आप अपना परिचय दो। हाँ, चलो छोड़ो। सर नमस्कार। हाँ, दिल्ली से प्रवीण मित्तल बाबा के धोए आए हैं। दिल्ली से आए हैं और 100 साल से ऊपर हैं यहाँ पे, सीधी 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, बाबा का बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, घर परिवार बहुत बढ़िया है, बाबा बढ़िया तरक्की पे है, तरक्की पे है, शुरू से ही। हाँ ठीक, जो समस्या है बाबा के आगे रख दी है वो पूरी हो गई। कैमरा मैन, ये हमारी बहू है। अच्छा, आप भी दिल्ली से आई हैं? मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ से? हमारी बहू दिल्ली की है। लखनऊ से दिल्ली की है बेटी, लेकिन कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई लखनऊ की है। बहुत अच्छा, अम्मा आशीर्वाद लो जल्दी। अम्मा आओ, हम तो आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, अम्मा आशीर्वाद ले लो। अच्छा, गिर गया थोड़ा। अम्मा आराम से आओ, आप भैया थोड़ा रुकना भैया। बाबा जी यही रहो भैया, यही रहो, यही रहो, यही रहो, यही रहो। अच्छा, अब बाबा जी का हम भी आशीर्वाद लेंगे लाइव। बाबा जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी संत निरामय, सर्वे पैर कहाँ है आपके? धर्मेंद्र भाई की जय हो, खूब आनंद रहे, सर्व संपन्न हो। बाबा जी समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे थोड़ा सा? समाज से यही कह सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेव का भजन करें। हाँ, और आनंद लें, संतों की सेवा करें, बड़े बूढ़ों की, अपने पिता माता पिता की सेवा करें। हाँ, और हमारे समाज को बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद देते रहें। अच्छा, यही हमारी सेवा है, समाज है, संत समाज है, भगवानों का समाज है, सबको मिल करके चलना है, और मिल करके चलने में ही हमारी समाज की बढ़ोतरी होती है। बहुत बढ़िया बाबा जी, जय हो आपकी। धन्यवाद। दे दिया दूसरा भाई भी। तो आइए, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है सभी समाज को, एकता बनाए रखें और सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। बाबा जी ने यही आशीर्वाद दिया है। बेटा मेरी तरफ से आपको प्रसाद है, ये लो पकड़ो, ये लो भैया आप कैमरा मैन, आप भी प्रसाद लो बाबा जी का। आइए आगे दिखाते हैं, देखिए बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है और बाबा जी ने कहा है समाज एकजुट रहे और एकता बना कर रखें ताकि भाईचारा भी कायम रहे, समाज में खुशहाली रहे, समाज तरक्की करे, जो वैर भाव है वो मिट जाए, यही कहना है। तो भाई ठीक है, आइए मेला भी दिखा देते हैं आपको। देखिए बहुत बड़ा मेला लगता है, देखिए बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। इधर से देख दिखाइए, हटना अम्मा, आओ हटो भैया थोड़ा। इधर मेला लगा है, देखिए बहुत सारी दुकानें लगी हैं और हर बार ऐसा ही मेला लगता है। देखिए बच्चे कितना खुश हैं, इधर दुकानें लगी हैं खिलौने की, जैसे पहले गांव में मेला लगता था वैसे ही यहां पर मेला लगा हुआ। जलेबी यहां पर देखिए फ्राई हो रही है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, देखिए बच्चों के खिलौने हैं, तो जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे गांव वालों की ज़रूरतें हैं, जैसे खिलौने बच्चों को चाहिए तो यहाँ पर खिलौने की बहुत सारी दुकानें हैं। इसी तरह से क्रॉकरी चाहिए, कप चाहिए तो कप की दुकानें हैं, जूते चप्पल की दुकानें हैं,
हर तरह की दुकानें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेला हर साल यहाँ पर लगता है और हर साल पब्लिक इसी तरह से यहाँ पर आती है। कहाँ से आए आप लोग? जागरू से। मजा आ रहा मेले में? मजा आ रहा है पूरे। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो कुछ नहीं खरीदा। अच्छा, घूम रहे हैं ना? घूम रहे हैं अभी तो, भंडारा खा के आए जी। भंडारा खा लिया? हाँ जी, बहुत खीर मजा। दोस्तों, हाँ एक मिनट एक मिनट, कह रहे 5 दिन का मेला लगता है और 5ों दिन दोपहर में भंडारा भी लगता है। आज का भंडारा? आज आज का भंडारा रोज। हमने कटो भी ले लियो, ले लिया। अभी 100 रुपया। ठीक है, जाओ एंजॉय करो, जाओ। देखिए बच्चे कितना खुश हैं दोस्तों। तो ये मेला इसी तरह से हर साल लगता है, इसी तरह से पब्लिक में उत्साह दिखाई पड़ता है और इसी तरह से इस स्थान की मान्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने बताया, जहाँ पर हम खड़े हैं वो 3 गांवों की सीमा है, 3 गांवों के बीच में ये जगह है जिस पर आश्रम बना है, वैष्णव परमहंस आश्रम, जिसको बड़ी कुटी बोलते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है और आश्रम भी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क भी है, अंदर बागवानी बहुत बढ़िया है और कई बाबाओं की मूर्तियाँ हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।